गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। बेटा, इन आवर लास्ट क्लास वी इनिशिएटेड द ग्रामर जंक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 9। सो इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी कंसर्न, इज देयर एनी क्वेश्चंस, और शैल बी स्टार्ट the new section? Achha, let me confirm one thing, that ki is there any exercise remaining, is there any question remaining that was still need to be discussed? No sir, all the questions were discussed, or is there any questions remaining? Then in book C, that means ki in book C the exercise are remaining. Okay, let us discuss those exercises. Yes, sir, but I am complete that exercise. You have completed? Very good. Aap logon ne complete kiya hai. Nevertheless, I have to tell the correct answer so that you can cross check. Aur jin logon ko nahi samajh mein aaya, they can write as well. You have written how you can claim that whether it is correct or incorrect. You have to cross check with your teacher, na? Uman Verma, there is yes. A voice from your phone. You do not have to rotate your phone. You do not have to move your phone. So, everybody have completed the first question of this section. Read about the situation and select the appropriate option. All the questions were discussed, na? Is there any yes, sir. Of, yes, sir. Anyone is the remaining? Yes. Agar kuch remaining ho, then let me know. Sir, fourth. Sir, fourth. Okay. Question number 4 in book B. Question number 4. What is the thing? Read the day. अब डे के बाद क्या करना है? Will have been going out for the dinner in half an hour. इसको डिस्कस तो किया था सर, ये वाला बेटा अगर आप लोग को बोलना है तो आप ही लोग बोल रहे हो, एक एक करके चलने तो दो. लेट मी कंफर्म, आई एम आस्किंग अबाउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चंस, एनी सेंटेंस आर रिमेनिंग, यस एंड नो? No. Then you have to take no. Fourth, no, sir. बोल रहे हो तो फोर्थ का मतलब तो मैं डी समझ रहा हूँ. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एक एक करके मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ, दोबारा कंफर्म करने दो. बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कंप्लीट करते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 ये सिचुएशन डिस्कस किया गया था, आप सभी को बोला भी गया था. ऑल्सो यू ऑल कैन राइट द अनदर सिचुएशन, 4 or 5 लाइंस. आई होप आप लोगों ने लिखा होगा. थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैड वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, दैट वी हैव टू यूज टू गोइंग टू वर्ड एंड द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उस क्लूज का हेल्प से वी हैव टू राइट अ सेंटेंस, वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. तो इसमें से ए बी सी डी चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, द क्वेश्चन नंबर 4. Now, question number 4 में A, B, C, D, E. A already has been done. इसमें करना क्या था? Complete these predictions. आपको prediction आपको complete करना है using will या would not. Will या won't. Would not को won't भी कहते हैं short में. Will या won't and the clues in the bracket 1 has been done for you. आपका जो clues दिया है इस bracket में उसका ध्यान दे, उसको use करते हुए आपको ये complete करना है. For the example, the first one is the teacher is in a good mood. अब आपको क्या करना है? Teacher is in a good mood. इस अब जो prediction करना है, will या won't का use करते हुए आपको predict करना है, और जिसमें class और think आए.
तो क्या होगा, आई थिंक द इंग्लिश क्लास टूडे विल बी अ लॉट ऑफ फन. जब टीचर गुड मूड में, सही मूड, अच्छे मूड में होता है तो ज्यादा मजा आता है, तब किसी को डांटता नहीं, पिटाई नहीं करता, और भी एनर्जी से बढ़ाता है. लेकिन जब कोई बच्चा नहीं बोलता तो फिर मूड खराब हो जाता है, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाए तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे, भले ही गलत रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो सही हो, बट ये जरूरी है कि हम रिस्पॉन्स करें, क्योंकि गलती होगी तभी सही बताया जाएगा. नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. इसमें कुछ हुआ था या कुछ भी नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था. चलिए ठीक है. हाउ मेनी हैव रिटन, हाउ मेनी हैव ट्राइड टू कंप्लीट दिस वन? हाँ, महक की किताब है ना. चलिए ठीक है. राम्या लुक्स टायर्ड. सर नो सर, चीटिंग नहीं की. ओके नो इशू. लेट टेल मी द आंसर व्हाट यू हैव रिटन. राम्या लुक्स टायर्ड, व्हाट यू हैव रिटन? सर आई कैन. यस, आई थिंक सी विल बी रेस प्रोबेबली. आई थिंक, हाँ फिर से. Pardon, please. What is the answer? C will be raised probably. Yep. I think C will be raised probably. आपने बोला है C will be raised probably. सर पहले सर I think. चलो मैं I think के लिख दे रहा हूँ. C के पहले सर I think. ये पहला capital में रहेगा. बेटा इसको कोई लिखिएगा नहीं, इट्स अ रॉन्ग, ये गलत है. हाँ नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखने में कई लोग छापने में बिजी रहते ना. इट्स अ रॉन्ग. ये प्रोबेबली मींस होता क्या है? अत्यंत. हाँ, जब आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे ना तो ऐसे ही गलत करेंगे. बेटा व्हेनेवर यू डू नॉट नो द मीनिंग यू शुड टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी का हेल्प लेना चाहिए, गलत बात नहीं है. डिक्शनरी इसीलिए बना है गलती करने के बजाय. कहते ना जब आप लोग बात करते समय प्रोबेबली वो अब आने ही वाला होगा, प्रोबेबली शायद वहां से सामान निकल चुका हो. प्रोबेबली मतलब संभवतः, शायद. परहैप्स मींस शायद होगा, बट प्रोबेबली मतलब संभवतः. यह संभव है बट 100% श्योर नहीं है. ओके, तो एनी अदर स्टूडेंट्स हु कैन ट्राई टू कंप्लीट द प्रोडक्शन? या शानिका? शानिका क्या नेटवर्क नहीं रहता, बस इस वजह से आई कुड नॉट हियर. इनकी पिक्चर मूवमेंट होती है, कभी कभी रुक जाती है. ओके, एनीबडी एल्स? सर यू प्रॉपर. सर आपका आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है. मेरी आवाज आपको जाएगी जाएगी, परेशान मत होइए. Now, am I audible, you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, anybody else who can try to write, who can try to predict for this sentence? Shanika ne hand raise kiya tha. Ek bar koshish kare bolne ki. किसी को भी, किसी के पास भी कोई भी ऑप्शन है? अनुप्रिया, बेटा शानिका आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा इफ यू आर यूजिंग वोडाफोन देन इट विल बी नॉट वर्किंग एनीमोर, नहीं काम करने वाला वोडाफोन. आप जो भी स्पीड है थोड़ा सा देखें. निहारिका आपके बिल्कुल फ्रंट पे ही है घर, निहारिका का, उसके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू कई बार नहीं होता. निहारिका इज देयर और नॉट, लेट मी कंफर्म. निहारिका वर्मा? यस सर. बेटा कौन सा ऑपरेटर आप यूज कर रही हो, जियो, वोडाफोन या एयरटेल? सर वोडाफोन. वोडाफोन यूज कर रहे हो? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा. तो यानी वोडाफोन डेली से डेली कनेक्ट करते हो वोडाफोन से ही? यस सर. ओके ओके, वेरी गुड. तो बेटा शानुका ऑल्सो यू कैन ट्राई इफ यू आर हैविंग एनी, मतलब घर में किसी के पास वोडाफोन का सिम हो तो एक बार एक दिन उससे कनेक्ट करके देखिए, शायद आपके यहाँ पे भी काम करे. बिकॉज एट दैट फ्रॉम दैट लोकेशन निहारिका इज एबल टू ज्वाइन वेरी स्मूथली.
ये राम्या लुक्स टायर्ड के लिए फिलहाल किसी ने नहीं एग्जांपल दिया, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ. राम्या लुक्स टायर्ड, राम्या लुक्स टायर्ड, प्रोबेबली ही वोंट विन द रेस. राम्या कहीं ना कहीं, राम्या लुक्स टायर्ड, प्रोबेबली ही कुड नॉट विन द रेस. शायद वो प्रोबेबली भी हो गया, लेकिन ऑल्सो वी हैव टू यूज द वोंट. आपको हमें वोंट भी यूज करना है, रेस और प्रोबेबली, तीनों चीजें यूज करना है. राम्या लुक्स टायर्ड, प्रोबेबली ही, राम्या को अगर आप लड़का मानते हैं तो ही, लड़की मानते हैं तो शी. राम्या, राम्या लुक्स टायर्ड, ही नहीं, प्रोबेबली ही वुड नॉट, ही वोंट विन द रेस. प्रोबेबली शी वोंट विन द रेस, वो शायद मैच नहीं जीत पाएगी. तो शी वोंट, वोंट भी आपका यूज आ गया, और प्रोबेबली आपने पहले ही कहा संभवता, शी विल, शी वोंट विन द रेस, संभवता वो रेस ना जीत पाए. क्लियर, समझ में आया? यस सर. लिखना पड़ेगा या आप लोगों ने सुनाया ध्यान से? किसी ने जवाब नहीं दिया, पूछना गलत है क्या? सर सुने हैं. नो सर, सब प्रॉब्लम नहीं है. वेट करते हैं, दूसरों का वेट करते हैं कि वो बोलेंगे तब. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट. बी वर्क्ड वेरी हार्ड, बी वर्क्ड वेरी हार्ड, ट्रॉफी और होप दोनों चाहिए. ट्रॉफी एंड होप और ऊंट या विल, ये दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, विल या ऊंट. ओनली अमन हैज रेज हैंड, ओनली अमन हैज रेज हिज हैंड, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज रेज, और किसी बच्चे ने नहीं हैंड रेज किया. अमन बताइए. I hope he will win the trophy. We worked very hard, नहीं, ये भी यूज करिए, इसको छोड़ देंगे. I hope, शानिका ने आंसर लिख के भेजा है, she will probably complete the race. बेटा आपने, she will probably complete the race. बेटा probably will के बाद, शानिका आपका जो पहला सेंटेंस था, she will probably, probably बेटा will आपका helping verb की तरह यूज किया गया तो है, इसके बाद आपका main verb आना चाहिए था, तो sentence framing में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी आपने कोशिश अच्छा किया था. Next जो आपने लिख के भेजा, I hope we will win the trophy. I hope बिल्कुल सही है, we will win the trophy, it is also correct. But आपको करना क्या है, ट्रॉफी भी चाहिए, ट्रॉफी इज देयर, होप चाहिए, होप इज ऑल्सो देयर, विल चाहिए, विल भी सही है, आपका भी आंसर ये सही है. इसके अलावा भी कुछ आंसर सही हो सकते हैं, अमन का भी सुनते हैं. अमन, व्हाट इज योर आंसर? सर वी, सर दे वर्कड वेरी हार्ड, सो आई होप दे विल बी विन ट्रॉफी. वेरी गुड, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आई होप वी विल विन द ट्रॉफी बिकॉज वी हैव वर्कड, वी वर्कड वेरी हार्ड. आप ऐसे बोल सकते, वी वर्क वेरी हार्ड बिकॉज वी वर्क वेरी हार्ड. Also, you can write in another way. We worked very hard. I hope we will win the trophy. कई सारे तरीके हैं. अब it is on you that how you all can write. There are more than one way. Now, the next one, it is cloudy. It is cloudy. Also, you have to use will या won't के साथ आपको rain and think use करना है. Again, I have received from Niharika. We worked very hard, so I hope to win trophy. We worked very hard, so very good. इसलिए I hope to win trophy. I hope win the trophy. ठीक है. I hope we will win the trophy. ठीक है. Hope और win दोनों एक तरीके से action है. बेहतर कोशिश. बढ़िया निहारिका. नेक्स्ट आप लोग बताइए. नेक्स्ट, इट इज क्लाउडी. क्लाउडी का आंसर लिख के भेजें या बोल के बताएं. इट इज क्लाउडी, हाउ
make the sentence for this one. अगर कोई बोल के बताएगा तो इट विल बी इजी, लिख करके भेजेंगे तो बहुत लंबा भी हो सकता है. ओके अमन बताइए, और कोई भी नहीं हैंड रेज करा, निहार का, ये शानुका वगैरह, शानुका नहीं, तनिष्का, दिव्या, ये सब वीडियो बंद करके क्या कर रही हैं? इनके पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है आज का. स्पेशली मुझे फोन करना पड़ेगा कि सर एक बार आप वीडियो देख लीजिए, हाउ योर चाइल्ड इज परफॉर्मिंग, दे हैव स्टॉप देयर वीडियो. यस तनिष्का, व्हाट इज योर आंसर? Sir, I think there will be raining. बेटा दिव्या ने आंसर लिख के भेजा, इट इज रेन क्लाउडी, गलत है. आपको रेन और थिंक भी यूज करना है, विल और या बुल, विल या वोंट यूज करना है. ना तो आपने विल या वोंट यूज किया, ना थिंक यूज किया, कहां पे दिमाग है? शानिका ने लिखा आई थिंक आई विल रेन के बजाय इट विल रेन, मान लीजिए लिखा है आई थिंक इट विल रेन. ठीक है, इट इज करेक्ट, गलत नहीं है. आई थिंक मुझे लगता है बेटा. ऑल्सो अगर आपको दो दो क्लॉजेस को जोड़ रही है तो आप कॉमा जरूर लगाएं. यू आर नॉट यूजिंग कॉमा. आई थिंक इट विल रेन टूडे या इट विल रेन. आई मीन आई थिंक इट विल रेन. हाँ ठीक है. अमन व्हाट इज योर आंसर? I think we will be wear raincoat because sky is cloudy. It is cloudy. Then I think yes, we will cloudy. Wear the raincoat. हाँ rain भी आ गया, raincoat. आपको पता है rain और raincoat अलग अलग है, but चलिए अलग. Saurabh Kanojia, what is your answer? Sir, I think it is cloudy, so will raining. I think it is cloudy, so. So will raining. ये तो सेंटेंस ही रॉन्ग है. So will raining मतलब क्या हुआ? अरे जब आप क्लॉज बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, कम से कम ग्रामर का ध्यान तो दीजिए. फिफ्थ क्लास में पहुंच चुके हैं. चले नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. कई लोगों ने सही आंसर बताया, अच्छा कोशिश किया. नाउ द लास्ट वन, द रोड्स आर बैड. अ ट्रिप थिंक और बिल या वोंट आपको यूज करना है. मेक द सेंटेंस. रुचि ने लिखा है इट इज क्लाउडी, आई थिंक विल वी रेन टूडे. नहीं बेटा, विल वी रेन टूडे नहीं होगा. इट अगर आप यूज करते तो इट वुड बी बेटर. आई थिंक मैं सोचती हूं. आपने यहां पे एक क्लॉज खत्म कर दिया. अब विल वी रेन टूडे, अब थिंक के बाद विल तो आएगा नहीं, तो यानी वो आपका नया दूसरा क्लॉज आपने शुरू किया. तो विल के पहले आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, या तो आप क्वेश्चन पूछ रही होती. तो यहाँ पे भी सेंटेंस फॉर्मेशन में गलतियां हैं. शुरू में आप लोगों ने ग्रामर पे नहीं ध्यान दिया है, वो इसकी प्रॉब्लम दिख रही है. इट इज क्लाउडी, आई थिंक विल बी रेन टूडे, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन. इट इज क्लाउडी, ये क्लाउडी है, अभी आज का मौसम क्लाउडी है. आई थिंक मुझे लगता है. It will be rain today. अगर आप ऐसा लिखती हैं, it will rain today. तो सही रहता, but will be rain today, it is a wrong sentence. Now move on the last. The roads are bad. बेटा समय जा रहा है. Also we have to discuss the exercises from the book C. Writing function भी आज मुझे complete करना है. Now the roads are bad. इसका मुझे लिखने के बजाय देखो, शानिका इज फेसिंग द नेटवर्क इशू, दैट इज व्हाई शी इज सेंडिंग इन टेक्स्ट बाय टेक्स्ट. डेली में टेक्स्ट नहीं रिस्पॉन्स करने वाला, टेक्स्ट का भी समय आएगा. आई नीड आंसर इन द वर्बल फॉर्मेट, दैट इज व्हाई यू आर ऑल कनेक्टेड टू लाइव सेशन. तो फिर ये चैट के थ्रू भेजने का कोई मतलब नहीं. रुचि आपको बोल के भेजिए, इतना समय क्यों लगाती हो? बोल के बताइए. लास्ट सेंटेंस का कोई भी आंसर बताने के लिए रेडी है? इज देयर अमन? Yes, sir. I think I won't come this trip by using bad road. Anil? Sir, the roads are bad, so I think we will not go on trip. फिर से बोलिए. The roads are bad. So I think we will not go on trip.
The roads are bad. So I think, मुझे लगता है, बहुत अच्छी बात, we will not go on trip. यानी will भी use कर दिया, we will not go on trip. यानी हम trip पे नहीं जाएंगे. That is also correct. That is also correct. One of the correct answer. अमन वर्मा का भी सही था. I think it will be, the roads are bad. I think it will be a difficult trip. आप ऐसे भी बोल सकते हैं. The roads are bad. I think it will be. Will आपको यूज करना है या won't यूज करना है? It will be a difficult trip. ये difficult trip होगा. Trip भी आ गया, I think भी आ गया, will भी आ गया. I hope आप लोग अपने अपने sentence बना सकते हैं. इतना आप समझ में आ गया होगा. Yes, sir. Now moving on the moving on the book C. Grammar Junction. We have to solve the exercises from book C. Let us open. बेटा book C में ज्यादा कुछ है नहीं. What you all need to do, बहुत easy है. Complete sentence using will या won't or going to. There are three hints. या तो आपको will use करना है, या तो won't use करना है, या तो going to use करना है. सारे blanks में. There are A, B, C, D, D. Only four sentences आते हैं. तो पहले में देखते हैं. समीर के बाद क्या होगा? समीर will be on leave from school for a whole month, या समीर won't be on leave from school for a whole month, या समीर going to be on leave from school for a whole month. Which यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? One के लिए one, two won't के लिए two, going to के लिए three. Everybody have to give the answer with the help of their finger. और जिसको देखिए बेटा, जिसको लगता है one सही है, वन लिखा जाएगा, दे हैव टू शो वन फिंगर. जिसको लगता है टू, वोंट लिखा जाएगा, दे हैव टू शो टू फिंगर. जिनको लगता है थ्री, गोइंग टू लिखा जाना चाहिए, दे हैव टू शो थ्री फिंगर. और जिनको लगता है कि इन तीनों में से कुछ और होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फोर दिखा सकते हैं. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, जो लूडो खेल रहे होते हैं, जो केवल जबरदस्ती बैठ रहे होते हैं, वो फिंगर्स नहीं दिखाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको परेशान नहीं करूंगा. तो जो फिंगर्स नहीं दिखा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट वांट टू टेल द आंसर, इवन दे डोंट वांट टू ट्राई, वो कोशिश भी नहीं करना चाहते. द फर्स्ट, समीर विल या वोंट या गोइंग टू, वन टू थ्री तीनों में से शो करिए. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग वन एंड सम आर शोइंग टू. ठीक है, एक एक करके. ठीक है, गुड. Also, we have received three from Anupriya and Tanishka. Very good. बेटा तीनों लोग सुनिए, क्योंकि किसका आंसर सही है और क्यों सही है ये जानिए, गलत है तो क्यों गलत है तो ये भी जानिए. ठीक है, डाउन योर हैंड्स. समीर, सबसे पहले अगर हम गोइंग टू लिखते हैं तो समीर गोइंग टू तो होगा नहीं, गोइंग के पहले इज एम आर आना चाहिए. Yes, ऐसा जाएगा क्यों? तनिष्का तो गोइंग टू तो सबसे पहले रॉन्ग है. तो अभी ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम से समीर के बाद डायरेक्टली गोइंग टू तो आएगा नहीं. समीर गोइंग टू बी ऑन लीव ऐसे तो होगा नहीं. समीर इज होता तो फिर होता, गोइंग टू यूज करते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे कोई है नहीं, दैट मीन्स की गोइंग टू तो 100% यहाँ पे नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द विल या वोंट. समीर विल बी ऑन लीव फ्रॉम स्कूल फॉर अ होल मंथ, समीर वोंट बी लीव From school for a whole month. दोनों सही हो सकता है. दोनों सेंटेंस अगर अलग अलग लिखा जाए तो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर पूरा आप दो तीन लाइन और पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि समीर छुट्टी पे जा रहा है. क्यों छुट्टी पे जा रहा है वो रीजन भी दिया हुआ है. दैट मीन्स कि समीर को छुट्टी पे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि समीर छुट्टी पे नहीं जा रहा है. तो दैट मीन्स कि समीर विल बी ऑन लीव फ्रॉम स्कूल फॉर अ होल मंथ. तो विल इज द करेक्ट आंसर हियर. तो फर्स्ट जिन्होंने वन फिंगर शो किया था, दे आर करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग. समीर विल बी ऑन लीव फ्रॉम स्कूल फॉर अ होल मंथ. नेक्स्ट, ही इज के बाद क्या होगा? ही इज विल प्रैक्टिस फॉर द नेशनल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ, या ही इज वोंट बी प्रैक्टिस, या ही इज गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर द नेशनल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ. आई नीड रिस्पॉन्स. अभी तो ईजी है, अभी जस्ट मैंने समझाया है.
Yes, yes. Everything is showing correct answer. He is going to. अब is am are लिखा है और आप फ्यूचर की बातें कर रहे हैं तो अब ऐसी बात है कि वो going to ही होगा. फ्यूचर की बातें कर रहे हैं और is am are है तो वहां पे going to ही होगा. इसमें कोई सोचा विचार ही नहीं. He is going to practice for the national tournament next month. Next. The tournament, अब tournament will be held in New Delhi या won't be held in New Delhi or going to be held in New Delhi. अभी यहाँ पे positive बातें चल रही हैं. ऐसा नहीं है वो tournament के लिए जा रहा है, practice करने जा रहा है. Okay, all the students are showing one finger. Good. Sabhi log sahi hai. Everybody is correct. The tournament will be held in New Delhi. Will ke baad aapka be aaya hai. Koi verb jo aapka will ya will ke baad aapka jo verb ka base form hona chahiye. Agar aapka koi base form, koi kriya, koi action nahi ho raha hai to wahan pe जो भी आपका समय ला के कहते ना वर्ब जो है एक्शन के साथ साथ में अवस्था भी बताता है तो अवस्था से रिलेटेड अगर नहीं आपका कोई मेन वर्ब है कोई क्रिया नहीं हो रहा है वहां पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है तो विल के बाद आप बी यूज कर देंगे. विल के बाद बी लग सकता है. द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली. जो टूर्नामेंट है वो न्यू दिल्ली में होना है, दिल्ली में होगा. देयर There will be students from all over the country or they're going to India or they won't be. First or second or third, क्या होगा? There won't be students from all over the country. बेटा, some of the students are showing two finger. कैसे हो सकता है? दिल्ली में टूर्नामेंट होने जा रहा है. Many of the students are showing two finger. बेटा, आप इसको समझाना पड़ेगा, ढंग से समझाना पड़ेगा. देखिए पहले शुरू से पढ़ते हैं. समीर विल बी ऑन लीव फ्रॉम स्कूल फॉर अ होल मंथ. पूरे महीने वो लीव पे रहेगा. क्यों लीव पे रहेगा? ही इज गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर द नेशनल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ. नेशनल टूर्नामेंट है. नेशनल टूर्नामेंट का मतलब पूरे कंट्री से लोग आएंगे. यही तो हुआ राष्ट्रीय स्तर का. नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर. नेशनल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ. इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है. जो आप भारत और पाकिस्तान से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हैं दैट इज इंटरनेशनल मैच नॉट नेशनल मैच. तो इट इज अ नेशनल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ. तो नेशनल टूर्नामेंट मतलब पूरे देश के लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली. देयर अब विल भी होगा या वोंट भी होगा. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. वहां पे ऑल ओवर कंट्री से सारे स्टूडेंट्स होंगे. सेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है? तीन मिनट में आपका. अच्छा, मैंने शुरू नहीं किया था क्या? अभी सेशन आपका एंड हो जाएगा. सेशन आपका एंड हो जाएगा. देन यू ऑल नीड टू रिजवाइन सो दैट वी कैन कंप्लीट इट. बिकॉज नेक्स्ट सेशन आई डोंट वांट टू डिस्कस ग्रामर जंक्शन बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट. आप लोग को सिर्फ करना है, इजी है तो इसको कंप्लीट भी करिए और डिस्कस भी कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है. देयर विल बी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. अब लास्ट में क्या होगा? इट Will be exciting. या देखो going to तो होगा नहीं because it is नहीं है. तो it will be exciting या it won't be exciting. क्या होगा? For our school as we are participating for the first time. Sir will. Sentence देखेंगे तो sentence में तो दोनों fit बैठ रहा है लेकिन context के हिसाब से अगर कोई भी school वहां पे participate कर रहा है तो उसके लिए exciting तो होना चाहिए ना. तो क्या लिखा जाएगा? Yes sir. Will. Sir will. It will be exciting for our school as we are participating for the first time. All of us, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, उसके बाद आंसर शो करिएगा. All of us will be going because it is too expensive for the school to take everyone to Delhi. ये बहुत ही महंगा है, सभी को दिल्ली ले जाना है. इसलिए all of us will be going या won't be going. One या two या three. So,
बेटा ये एक्सपेंसिव है, स्कूल के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, ये सब सफाई दिया जा रहा है ना, यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है ना, एक्चुअली ऑल ऑफ अस वोंट बी गोइंग बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर द स्कूल टू टेक एवरीथिंग, होना चाहिए यहाँ पे. दिव्या भी थ्री फिंगर शो कर रही हैं, क्या बात है, लिख करके भेज रही हैं. मैं चैट बार बार नहीं देखता बेटा, यहाँ पे 20 बच्चे हैं, पहले उनपे ध्यान दो. नाउ यू ऑल नीड टू रिजॉइन द सेशन बिकॉज आपका सेशन एंड होने वाला है, दोबारा ज्वाइन करिए. यस सर, सभी लोग दोबारा ज्वाइन. यस सर.